देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मकसद है ग्लूकोज तक समझना, ग्लूकोज को अच्छे से समझना जी, ठीक है। उसमें अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज सब आएगा, उसमें डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज आएगा, उसी ग्लूकोज में एनोमर्स और आपको ईपी मर्स सुनने को मिलेगा। जब ग्लूकोज पे बात होगा तो उसी में हम आपको रिंग स्ट्रक्चर भी समझाएंगे ग्लूकोज का, उसमें पैरानोज और सिरानोज ये भी हम लोग जानेंगे। जब ये सब समझा देंगे तो फिर ग्लूकोज में म्यूटा रोटेशन भी जानेंगे, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स सब है उसके बारे में जानना जी। मेन ग्लूकोज है आप लोगों को पढ़ना, लेकिन अभी तक बेस मजबूत करते हुए जा रहे हैं हम आपको, ऑप्टिकल एक्टिव पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि नए टाइप का क्वेश्चन का तैयारी करोगे तो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है वैसा टाइप का क्वेश्चन दे देगा। एक तो रटा रटा बोल दे देगा, डीएचए का नाम लेकर के, डायहाइड्रोक्सीसीटोन का नाम लेकर के, एक टफ यानी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना के दे देगा, चार गो ऑप्शन बना देगा। हालांकि वो केमिस्ट्री का टॉपिक बन जाएगा वो, है ना, केमिस्ट्री में ऐसा पूछा जा सकता है कि चार कंपाउंड में से कौन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आप एसिमेट्रिक कार्बन की मदद से आप ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव पकड़ सकते हैं, नहीं तो लेक्चर 3 जाके बायोमोलिक्यूल का कल रात को जो अपलोड किए थे उसमें जाके देखिए, उसमें हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट है ना समझाए हुए हैं, उसको भी आप देख करके अपने आप को समझा सकते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है जी, ठीक है। हम आपको मोनोसैकेराइड पढ़ा रहे हैं और टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन के नंबर के आधार पर पढ़ा रहे हैं जी, ठीक है। मोनोसैकेराइड देखे थे और मोनोसैकेराइड के कार्बन के नंबर के आधार पर हम लोगों ने देखा था जी, ठीक है। मोनोसैकेराइड जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने ट्राइओज पढ़ लिया और टेट्रोज पढ़ लिया था जी, टेट्रोज लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग। और इसमें बस याद करने वाला क्या बात था, है ना, याद करने वाला बात था आप लोगों को इसका एग्जाम्पल सब, इसका 3 एग्जाम्पल हम बताए थे, एक था एरिथ्रोज, एक था एरिथ्रोज, है ना, एरिथ्रोज, एक था एरिथ्रोज, एक था आपको, है ना, टेट्रो थ्रियोज, थ्रियोज, थ्रियोज था, एक क्या था आपको, थ्रियोज, थ्रियोज था, एक क्या था आपको, एरिथ्रोज, एरिथ्रो, एरिथ्रुलोज था, एरिथ्रुलोज था जी, क्या हुआ, हेलो, आवाज आ रहा है, ये सर आ रहा, हाँ, तो ये 3 एग्जाम्पल था, उसमें से 2 एग्जाम्पल अल्डिहाइड का था, ये दोनों अल्डिहाइड रखता है सर, और इस दोनों में क्या रहता है, इसमें क्या रहता है, कीटोन रहता है, हालांकि तीनों का फॉर्मूला एक ही है, C4H8 और O4 होता है। आज हम लोग का नया टॉपिक आ रहा है, पेंटोज शुगर पढ़ेंगे, इसका 12th में बहुत यूज है जी, 12th के 11th का जो NCERT वाला बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे ना तो वहाँ भी इसका यूज होगा जी, ठीक है। आज हम लोग पेंटोज पढ़ने जा रहे हैं जी, पेंटोज का मतलब क्या, जिसमें कार्बन की संख्या कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए जी। फॉर्मूला लिखोगी तो C5H10 और O5 होगा जी, ठीक है। ये आपको 5 कार्बन का बना हुआ कंपाउंड है, एरिथ्रोज, सॉरी पेंटोज, पेंटोज का नाम पेंटोज ही क्यों पड़ा, इससे 5 कार्बन होता है, बस इजी सी बात है। पेंटोज में एक्सेप्शन आता है जनरल फॉर्मूला का जी, ठीक है। पेंटोज में सारे कार्बोहाइड्रेट सेम फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करते हैं, याद कीजिए हम आपको पढ़ाए हुए हैं कि जो CnH2n और ON का फॉर्मूला को फॉलो करता है उसको मोनोसैकेराइड कहते हैं। पर ये आपको यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि सारे मोनोसैकेराइड CnH2n और ON का फॉर्मूला फॉलो करेगी, ठीक है। पेंटोज का एग्जाम्पल सुनिए, पेंटोज में भी वही बात होगा, एक अल्डिहाइड कंटेनिंग और एक क्या होगा, कीटोन कंटेनिंग, है ना। कीटोन कंटेनिंग का एक ही एग्जाम्पल है जिसका नाम क्या है आपको, रिबुलोज, रिबुलोज, है ना, इसका एग्जाम्पल के तौर पे आपको रिबुलोज, ये आपको क्या है, कीटोन कंटेनिंग है जी। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, कीटोन पाया जाता है, कीटोन शुगर के तौर पे हम लोग, है ना, कीटोपेंटोज के नाम से इसको बुला सकते हो आप, कीटोपेंटोज के नाम से बुला सकते हैं। और इसमें हम लोग देख रहे थे क्या, है ना, अल्डो, अल्डो आपको पेंटोज का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, अल्डो पेंटोज का 4 एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी बुक में जी, ठीक है। और आपको अल्डो पेंटोज जब देखते हैं इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, राइबोज शुगर है। आप लोगों को ये सुनने को मिलेगा जब आरएनए पढ़ाएंगे तब, आरएनए का फुल फॉर्म भरो, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो, राइबोज, है ना जी। राइबोज शुगर किसका बच्चा है, C5H10O5 का है जी, ठीक है। उसी तरह से एक डीऑक्सी राइबोज भी होता है जी, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज भी आपको देखने को मिलता है जी, ठीक है। अब डीऑक्सीराइबोज कहने का क्या मतलब हुआ, एक ऑक्सीजन की कमी, डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब क्या होगा, क्या कुछ बोल रहे हो, हेलो हेलो तो हम बता रहे थे आपको अल्डो पेंटोज हुआ, अल्डो पेंटोज में, है ना, 2 तरह का आपको ग्रुप आएगा जी, एक होगा आपको
अल्डो पेंटोज का फॉर्मूला क्या था, C5H10O5, और इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, एक है आपको राइबोज, एक क्या हो जाएगा आपको डी ऑक्सी राइबोज हो जाएगा जी, ठीक है। उसी में आपको एक आएगा आपको एनाबिनोज होगा, एनाबिनोज होगा, और एक होगा सर आपको क्या होगा, जाइलोज होगा जी, ठीक है। ये आपको चार एग्जाम्पल है जिसमें जी, ठीक है। जाइलोज आप लोगों को ये वाला और ये वाला तो याद ही रहना चाहिए एनी हाउ, क्योंकि तुम लोग जानोगे आगे जाकर के राइबोज शुगर का काम आरएनए बनाने में होता है, एटीपी बनाने में होता है, और वही जगह पे डीऑक्सी राइबोज का काम डीएनए बनाने में होता है जी, ठीक है। डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोनिक्लिक एसिड, याद आ रहा है डीएनए का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग करते थे। आपको लड़के दिमाग लगा ली होगी कि सर कार्बोहाइड्रेट डीएनए आरएनए में भी पाए जाते हैं जी, मतलब न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। वो कौन से कार्बोहाइड्रेट है जो डीएनए ना तो आरएनए में पाए जाते हो, तो उसका जवाब है आपके पास रिबोज राइबोज है और डीऑक्सी राइबोज है जी, ठीक है। बारी बारी से देखते हैं, अब इसका फॉर्मूला निकालोगी ना, इसका फॉर्मूला C5H10O5 होगा जी, सही है ना, क्योंकि हम तो बोले थे सारे पेंटोज का एक ही फॉर्मूला होता है। इस दोनों का भी फॉर्मूला निकालोगी तो वही होगा C5H10O5 होगा जी, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला निकालोगी तो C5H10O5 होगा, बट जब डीऑक्सी राइबोज का बात कीजिएगा तो इसका फॉर्मूला बदल जाता है सर, C5H10 और O4। O4 लिखने का मतलब क्या, एक ऑक्सीजन की कमी, तब ना डीऑक्सी नाम लगा है जी, डीऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन है ना की कमी। यहाँ पे आप इस देखिए तो आप इस फॉर्मूला में क्या ये बैठ जाएगा, नहीं ना जी, इसमें C5 है C5 हो जाएगा, H10 है H10 हो जाएगा, बट O5 नहीं ना हो पाएगा, O4 ही हो जाएगा। तो हम पूछेंगे तुम लोगों से वो कौन सा मोनोसैकेराइड है जो जनरल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता, तो तुम्हारा एक ही जवाब होगा डीऑक्सी राइबोज। ये कार्बोहाइड्रेट होने के बावजूद भी सर है ना जनरल फॉर्मूला का फॉलो नहीं करता है जी, ठीक है। तो हम लोग आज इसी सब चीज के बारे में ध्यान देंगे, तुम लोगों से एक सीधा जवाब सवाल पूछा जाए कि भाई इस सब का फंक्शन क्या है, तो तुम नाम से बोल दोगी कि राइबो शुगर का काम आरएनए बनाने में, एटीपी बनाने में है ना, और बहुत सारे आपको एमआरएनए और कुछ न्यूक्लियोटाइड बनाने में इस्तेमाल होता है, पर सीधा जवाब दो तो आरएनए बनाने में है ना। और डीऑक्सीराइबोज का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो सर ये आपको डीएनए बनाने में यूज होता है, जाइलोज एनाबोज एनाबिनोज ये सब जो है ना एग्जाम्पल है जो एनर्जी कंपाउंड के तौर पर देता है। और हम लोग एक और नाम से लेते हैं रिबुलोज, वो आपको CO2 को एक्सेप्ट करने में मदद करता है। पहले फिर से लिखते हैं, पेंटोज शुगर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो आएगा ना हेक्सो शुगर वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पहले पेंटोज शुगर के बाद देखते हैं जी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, पेंटोज शुगर में है ना आपको C5 होगा, H10 होगा और O5 होगा, एक्सेप्ट एक को छोड़ करके, एक्सेप्ट डीऑक्सीराइबोज को छोड़ करके, डीऑक्सीराइबोज ही एक ऐसा बंदा है सर जिसमें हम लोग क्या देखते हैं C5H10 और O4 होता है, ये बात याद हुआ। इसमें भी वैसे ही हम लोग सुनेंगे जैसे आप पहले भी देख रहे थे, भाई पेंटोज शुगर है तो इसमें किसी में अल्डिहाइड होता है, किसी में कीटोन होता है, तो आप अल्डो पेंटोज के नाम से बुलाओगी, एक कीटो पेंटोज के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और उसी तरह से आपको आपको यहाँ पे क्या होगा, कीटो पेंटोज के नाम से भी इसको हम लोग बुलाएंगे जी, ठीक है। अब अल्डो पेंटोज में एग्जाम्पल क्या है, राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर का फॉर्मूला लिखोगी ना तो इस पे आप ऐसे दिखाइएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है सर, OH इधर होगा, फिर एक OH इधर होगा, फिर एक OH इधर होगा जी, कितना कार्बन हो चुका है, 1, 2, 3, 4, और एक बार और एक देखे 5 करोगी, ठीक है। अब जहां पे खाली है वहां पे हाइड्रोजन लगा दोगी, यहाँ आवाज कट जाता, नेट का प्रॉब्लम होगा, कट करके ज्वाइन करो, नेट का प्रॉब्लम हो तुम्हारे में, और सब तो यही हो रहा है, नो सर आवाज आ रहा है, हाँ तो वो नेट तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, नेट ठीक करो, कट करके फिर से ज्वाइन करो तुम। तो हम बोले थे कि आपको राइबोज शुगर जो देखते हैं तो उसमें आपको एच यहाँ लगा दोगे, यहाँ एच लगा देंगे, यहाँ एच लगा देंगे, जो रिमेनिंग है देख लो, बैलेंस करोगे तो पूरा बैलेंस हो जाएगा C5H10O5। बस इसी को आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए ना 10 बार। तो आपको लिखने आना चाहिए इसमें है ना H10 दिख रहा ना आवाज सर, सॉरी आवाज दिखेगा थोड़े, बोर्ड दिख रहा ना जी, हेलो दिख रहा, C5H10 और O5। अब डीऑक्सीराइबोज की बात करो, डीऑक्सीराइबोज देखिए हमको ऑक्सीजन की कमी कराना है सर, हम कहीं से भी ऑक्सीजन की कमी करा सकते हैं, और हम यहाँ पे कहीं से भी आपको डीऑक्सीराइबोज में इसका
डीऑक्सीराइबोज में हम कहीं से भी कमी करा सकते हैं, C5 पहले फॉर्मूला लिख देते हैं C5 H10 और O4। लेकिन चूंकि हम लोगों को बायोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजी में ये पढ़ना है कि सर डीऑक्सीराइबोज का काम DNA बनाने में होता है, तो हम लोग के जो डीऑक्सीराइबोज होता है ना उसमें दूसरा नंबर के कार्बन से ऑक्सीजन गायब होता है। मतलब हम लोग का जो DNA होता है 2D ऑक्सीराइबोज होता है जी, मतलब समझा रहा ना, मतलब DNA में जो डीऑक्सीराइबोज होता है उसमें दूसरा नंबर कार्बन से ऑक्सीजन हटाना है। देखो ये कार्बन देख रहे हो आपको राइबोज का, एक पहला कार्बन ये हुआ क्योंकि हम पढ़ाए हुए आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग गिनना शुरू करते हैं, जिससे फर्स्ट नंबर होगा ये, सेकेंड नंबर होगा ये, थर्ड नंबर होगा ये, फोर नंबर होगा ये, फाइव नंबर होगा जी। ठीक है, पहले पर राजन क्या बोलना चाहे, और इसमें से इस सबको जो देखते हैं सर ये सब क्या हो जाएगा सर आपको राइबोज शुगर के अंदर में आता है जी। ठीक है, तो डी ऑक्सीराइबोज की बात करो सर इसमें एक ऑक्सीजन की कमी है जी, एक ऑक्सीजन की कमी है, तो ये आपको एक ऑक्सीजन कमी है तो सर यहाँ पे H और H दिखाइए, यही गौर करने वाली बात है। इसमें देखिएगा OH यहाँ भी है, सब में OH है ना, यहाँ भी क्या देख रहा है OH देख रहे हैं जी। ठीक है, लेकिन आप इस पे देखिएगा तो आपको एक O की कमी है, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा 2D ऑक्सीराइबोज, है ना जी। तुम चाहो तो कहीं से भी करा सकते हो ऑक्सीजन की कमी, है ना जी, मतलब चाहे तो यहाँ से करा दो, यहाँ से करा दो, आपकी मर्जी है। ये 3D ऑक्सी भी हो सकता है, 4D ऑक्सी भी हो सकता है, 5D ऑक्सी भी हो सकता है, 1D ऑक्सी नहीं हो सकता है, 1 भाई तो फंक्शनल ग्रुप है, इसको ऑक्सीजन हटाओ तो वजूद खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो ना फंक्शनल ग्रुप का बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें एल्डिहाइड का नाम है निशान खत्म कर दूंगी। तो ये जो फोटो देख रहे हैं ये 2D ऑक्सीराइबोज का है जी। सर आपने 2D ऑक्सीराइबोज ही क्यों बनाया, क्योंकि हमारे DNA में 2D ऑक्सीराइबोज ही पाया जाता है जी। ठीक है, फॉर्मूला देखिए, इसको स्ट्रक्चर देखिए, याद कीजिए, है ना। अब इसमें कोई लड़का हमको ये समझाना शुरू करेगा कि है ना एसिमेट्रिक कार्बन कितना है, तो ये तो नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, इसमें ये और ये रहेगा एसिमेट्रिक कार्बन। इसमें एसिमेट्रिक कार्बन क्या है, 1, 2 और 3 ठो है जी। ठीक है, इतना हार्ड नहीं जाएगा एसिमेट्रिक कार्बन पूछने चला है, तो केमिस्ट्री समय उसे पूछता है, केमिस्ट्री की चीजें सब इसमें आपको गौर करा सकते हैं जी। हालांकि बस आपको याद रखना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है जी। अब उसके बाद एक और नाम आया था आपको जाइलोज, याद रखिए जाइलोज भी आया था आपको, जो नोट्स दिए उसमें फोटोग्राफ आपको हिंट्स के फॉर्म में बना के दिए हुए हैं। ऐसे करके कंपाउंड बनाओगे 3, 4, 5, यहाँ पे एल्डिहाइड दिखाएंगे और यहाँ पे OH दिखाई देंगे जी। ठीक है, बाकी सब आपको OH राइट साइड होगा। उस दिन हम समझाए थे कि यार आप केमिस्ट्री पढ़ती हो ना, तो केमिस्ट्री में जैसे आपका जिधर हाथ है उधर ही राइट होगा, जिधर आपको लेफ्ट है तो लेफ्ट, जैसे मेरा हाथ ऐसे जा रहा है तो बोर्ड की तरफ जैसे जा रहा है तो मेरा राइट इधर है और लेफ्ट इधर है जी। ठीक है, तो आप इंग्लिश यहाँ पे क्या बोलोगे कि राइट साइड का है ना, आपको नहीं कि राइट साइड कार्बन के राइट साइड में OH चला जाए, सेकंड नंबर के कार्बन पे अगर राइट साइड में OH चला जाए तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, जाइलोज। देखो दोनों में अंतर बस इतना ही का है कि इसमें OH लेफ्ट साइड में है, इसमें क्या राइट साइड में, लेफ्ट हुआ ना सॉरी लेफ्ट साइड हुआ, ये लेफ्ट साइड हुआ, और इसमें क्या देखते हैं सर आपको राइट साइड में, मतलब राइबोज में इसमें अंतर देखो, जाइलोज नहीं पाया जाता आपके DNA RNA में। जाइलोज एक इनएक्टिव कंपाउंड है जिसमें आपको सेकंड नंबर का जो कार्बन देखते हैं उसका OH लेफ्ट साइड में होता है। यही तरह से आप एक नाम और सुने थे जिसका नाम क्या था आपको, है ना, आपको एक था आपको एनाबिनोज, है ना, ये ना था जी ना, है ना, अरबिनोज नाम होगा, देखो एक बार ये नाम है ना अरबिनोज, चलिए ठीक है इसको लिंक कर लेना। ठीक, इसमें तीसरा नंबर के कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में हो जाता है और बाकी सब कार्बन का OH क्या राइट साइड में ही रहता है जी। यही डिफरेंस है जी, ये हार्ड लगे तो छोड़ दीजिएगा, हालांकि यही सब क्वेश्चन पूछना चाहिए मेडिकल में, तो बहुत बच्चा का सोच में पड़ जाएगा, प्रैक्टिस से ये सब याद हो जाता है, नहीं तो कोई भारी नहीं है। आप ये जो देख रहे हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, एराबिनोज हो जाएगा, जिसमें तीसरा नंबर का कार्बन का OH लेफ्ट साइड में चला जाता है। वैसे ही तरह से कोई लड़का पड़ेगा सर आगे कहीं ये भी पढ़ने को मिलेगा चौथा पे भी OH इधर, हाँ जा सकता है, जो सब MSc BSc का टॉपिक है वो सब अभी आपको 12th मेडिकल में नहीं पूछेगा जी। ठीक है, इसलिए इतना नहीं घबराइएगा, है ना, ये भी दोनों एक्स्ट्रा हो गया, इसको छोड़ सकते हैं आप, पर ये दोनों याद रखना होगा एनी हाउ आपको, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ये सब किसका बच्चा सब है, ऑल्डो पेंटोज का बच्चा सब है, ऑल्डो पेंटोज। इससे ज्यादा रिसर्च मत करना कोई लड़की या लड़का, आपको बस देखना राइबोज शुगर और 2D ऑक्सीराइबोज शुगर। वाई 2D ऑक्सी, बिकॉज DNA कंटेंट 2D ऑक्सीराइबोज। नाउ अदर आपको ये टॉपिक कीटो पेंटोज पे आते हैं सर। कीटो पेंटोज का एक एग्जाम्पल है जिसका नाम क्या सर आपको, रूबीलोज इसका एग्जाम्पल है। रूबीलोज में कार्बन जब देखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 होगा, 5 कार्बन में से आपको पहला नंबर के कार्बन पे सर OH होता है जी, पहला नंबर का। दूसरा नंबर कार्बन पे क्या देखते हैं, कीटोन देखते हैं। तीसरा पे OH होता है, चौथा पे OH होता है और पांचवा पे भी क्या होता है, OH होता है जी। नाउ इसका आप बनाइए, आपको जहाँ कमी है हाइड्रोजन डालिए, जहाँ पे आपको कमी है हाइड्रोजन में क्या बताया सर, तीसरा नंबर पे OH लेफ्ट साइड में, यही है ना क्या,
देखना पड़ेगा। नहीं सर। हेलो, ये तीसरा नंबर है ना, ये फर्स्ट कार्बोनिल, सेकंड और ये तीसरा, नोट्स में लिखे हुए हैं, देखना OH लेफ्ट साइड में होगा, है ना। अब आइए इस पे रूबिलोज पे आते हैं, है ना, रूबिलोज, है ना, रूबिलोज जो देखते हैं, है ना, रूबिलोज जो देखते हैं, ये इसमें आपकी टोन का स्ट्रक्चर है सर। पांच कार्बन तो है यहाँ भी, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें हम क्या देख रहे हैं, OH है 1, 2, 3, 4, ऐसे करके आप गिनो लो, सब कुछ सही होगा, C5H10O5 होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, ठीक है। मुद्दा ये उठता है कि हमको याद क्या रखना है सर, याद रखना आपको राइबोस शुगर, याद रखना आपको डीऑक्सीराइबोस शुगर, याद रखना आपको रूबिलोज। रूबिलोज के बारे में क्या जानना है कि सर, प्लांट में जो लीफ देखते हैं ना, चाहे कोई भी पेड़ का पौधा हो, लीफ देखते हैं, एटमोसफेयर में जो CO2 है तो उसको कौन पकड़ के लाता है, रूबिलोज ही पकड़ के लाता है जी। रूबिलोज ही बाहर के CO2 को अंदर लाता है, जैसे हम लोग नाक से सांस लेके ऑक्सीजन को अंदर लाते हैं ना, उसी तरह से पत्ती में CO2 को अंदर लाने में कौन मदद करता है, रूबिलोज। जो मैम कितना भारी काम कर रहा है ये, रूबिलोज क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है बाय एक्सेप्टिंग द CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो CO2 है उसको अंदर लाने में मदद करता है। प्लांट फिजियोलॉजी में जो चैप्टर 13 है ना, वहां पे तुमको ये रूबिलोज पढ़ना है, है ना जी। वहां भी हम इसी तरह से पहले रूबिलोज का बात के बारे में बताएंगे और उसके बाद आपको आगे ले चलेंगे जी। रूबिलोज का आपको रूबिक के फॉर्म में लिखते हैं, फॉस्फोरस इसमें जुड़ा रहता है उस तरह से। अभी तुम लोग सीधा सीधे याद रखो, ये एक रूबिक है, रूबिलोज 20-फॉस्फेट बोलते हैं पूरा नाम है, बट आप रूबिलोज नाम सुने ना, रूबिलोज किसका बच्चा है, शुगर। और ये आपको क्या करता है सर, CO2 को अंदर लाने में मदद करता है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो CO2 अंदर नहीं आ पाएगा जी। CO2 को एक्सेप्टर के तौर पे ये काम करता है सर, कौन, है ना, आपको रूबिलोज, ठीक है। ये तीनों याद होगी आपको। पेंटोज पढ़ा दिए जी, पेंटोज में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। पेंटोज के बाद आइए हेक्सोज पे देखते हैं। जब से VVI क्लास है ये, जो सुबह वाला बैच पढ़ाया था उसमें 2 दिन लग गया था, फिर बाद में बच्चा को कुछ समझ नहीं आता, 6 दिन उस तरह से समझाने में लग गया था, अल्फा बीटा ये सब समझाने में उसको मेरा बैंड बजा था। लेकिन हमको लगता है आप लोग के बैच में इतना टाइम नहीं लगेगा, इसमें आपको हम लोग पढ़ा क्या रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको हेक्सोज शुगर जी। सबसे सेकंड लास्ट टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी, हेक्सोज शुगर, है ना जी। हेक्सोज शुगर पे हम लोग ध्यान देंगे, रिसर्च करेंगे सब पे हम लोग। हेक्सोज शुगर का, है ना, इसमें भी दो हेक्सोज का कार्बन का संख्या 6 हो जाएगा सर, C6H12 और O6, क्योंकि हम बताए हैं मोनोसैकेराइड का निकालने का फॉर्मूला, मोनोसैकेराइड कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला हम लोग देखे हैं जी, ठीक है। तो हेक्सोज शुगर में का सब 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 हेक्सोज का फॉर्मूला क्या होगा, C6H12 और O6 होगा जी, ठीक है। आइए, हेक्सोज में आपको दो ग्रुप्स होगा, एक अल्डिहाइड कंटेनिंग होगा, आइए क्या होगा सर, आपको कीटोन कंटेनिंग होगा जी, आप लोगों को क्या पढ़ना है ना, यानी कीटो आपको वही लिखे क्या, कीटो हेक्सोज लिख देते हैं, कीटो हेक्सोज। आइए क्या आपको अल्डो हेक्सोज, है ना, एक होगा आपको अल्डो हेक्सोज, एक क्या होगा सर आपको कीटो हेक्सोज, है ना जी। तो हम लोग क्या देख रहे थे आपको, अल्डो हेक्सोज में हम लोग क्या एग्जाम्पल सब आएगा, इसमें 4 एग्जाम्पल आएगा जी, 4 एग्जाम्पल को हम हटा कॉलम वाइज लिखते हैं ताकि फोटोग्राफ बनाने में आसानी हो। इसमें एक एग्जाम्पल है ना जी, हम एक एग्जाम्पल ग्लूकोज का दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल किसका है, ग्लूकोज, आप लोग सब देखे हुए ग्लूकोज, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो ग्लूकोज ना देखा हो ना खाया हो, सब आदमी ग्लूकोज देखे हुए और ग्लूकोज खाए हुए भी हैं। और दूसरा आपको आ जाता है इसी के अंदर में, है ना जी, आपको मैनोज, मैनोज आपके शरीर में ना एंटीबॉडी के तौर पे काम करता है, इम्यूनिटी देने में मदद करता है। उसके बाद दूध में जो चीनी होता है, मतलब दूध में जो मीठापन होता है, वो गैलेक्टोज की वजह से होता है जी, गैलेक्टोज, ये भी आपको 12th का आधार होगा। एक बंदा और है इसके अंदर में, है ना जी, एक हो गया ग्लूकोज हुआ, मैनोज हुआ, और एक क्या हुआ सर आपको, गैलेक्टोज हुआ जी, ठीक है, 3 ही एग्जाम्पल है इसका। और इसमें आइए एक एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रुक्टोज। आप लोग कोई दिमाग लगा लिया कि सर मेरा एक क्वेश्चन तो पूछेगा तो बन गया जाएगा आप, कि फ्रुक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, तो फ्रुक्टोज में, है ना जी, आपको कीटोन ग्रुप पाया जाता है जी, ठीक है। और अल्डो हेक्सोज में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज पाया जाता है। ऑब्वियसली इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होगा, इसमें क्या होगा, कीटोन ग्रुप होगा जी। पहला फोटो देखिए सब आदमी, ग्लूकोज का 6 कार्बन का आपको फोटोग्राफ बनाना है सर, 3, है ना, 4, 5 और 6, है ना जी। 6 कार्बन से सबसे पहले आंख बंद करके आप डाल दीजिए अल्डिहाइड ग्रुप, डाल दिए। अब OH इधर डालें लेफ्ट साइड में, OH लेफ्ट साइड में डालें, OH लेफ्ट साइड में डालें, है ना, यहाँ OH डालते गए और कितना हो गया जी टोटल, देखिए आपको 5 OH था, और जहां बच गया वहां पे आप हाइड्रोजन डाल के बैलेंस कर दो उसको, आप देखिएगा बैलेंस हो गया। अभी बोर्ड पे जो फोटो है वो ग्लूकोज है जी,
आप ग्लूकोज का फोटोग्राफ बनाना सीख गए, ठीक है जी। ग्लूकोज का फोटो बहुत ईजी है सर, जैसे पीछे पेंटोस पड़े थे वैसे ही, पहला पे एल्डिहाइड डालना है, दूसरा पे OH, तीसरा पे भी OH, तीसरा पे भी, चौथा पे भी OH, पांचवा पे भी OH, और छठा पे भी क्या डालना है, OH डालना है जी। ऐसे करके आपको टोटल कितना कंपाउंड बन गया सर, आपको 6 कार्बन का कंपाउंड बन गया जी ग्लूकोज। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या, C6H12 और O6 हो जाएगा जी, ठीक है। पहले पढ़ रहे हम क्या बोलना चाहे। अब आप गौर कीजिए मैनोज का फोटोग्राफ पे, मैनोज का जो फोटोग्राफ कोई लड़का देखेगा ना, यही लिखिएगा रटिएगा। अब यहाँ रहते ना क्लास में, तो हम आप लोग को लिख लिख करके आपको चेक करते हैं, मैंने कल की डेट में लिख करके चेक करते हैं कि आप लोग लिखे कि नहीं लिखे हैं, ठीक है। मतलब इसको याद करना है आपको, है ना। मैनोज का फोटोग्राफ देखिए, यहाँ पे क्या होगा, एल्डिहाइड होगा और दूसरा नंबर का OH इधर होगा जी, है ना जी। बाकी आपको यहाँ पे है तीसरा नंबर का जो OH देखते हैं सर, वो भी लेफ्ट साइड में होगा जी, ठीक है। तीसरा नंबर का OH ये भी क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। इसमें करेक्शन करें, इसमें था एक गड़बड़ हो गया, एक OH जो है ना तीसरा नंबर कार्बन का OH लेफ्ट साइड में होता है जी, तीसरा नंबर का कार्बन लेफ्ट साइड में होता है, ये इधर होता है, ये है ग्लूकोज, नॉर्मल ग्लूकोज, है ना जी। तीसरा नंबर का OH क्या है, लेफ्ट साइड में, बाकी सब क्या है सर आपको राइट साइड में। नंबरिंग करना जानती हो ना, 1, 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, है ना जी। नंबरिंग में आप देख रही हो, पहला नंबर कार्बन है, दूसरा नंबर कार्बन OH राइट साइड में। इसको यही तुम लोग को याद रखना है, तुमको इसे सब काहे बोल लेते ना आप, बहुत जरूरी है जी। इससे ही तुमको समझाएंगे एनर्जेटिक कौन है, नॉन एनर्जेटिक कौन है, कौन डी फॉर्म है, कौन एल फॉर्म है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कौन होता है और लीवो रोटेटरी कौन होता है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के टाइप्स है जी, ठीक है। तो तीसरा नंबर का OH लेफ्ट साइड में रहेगा, चौथा फिर OH राइट साइड में रहेगा, पांचवा भी इधर रहेगा, छठा भी इधर रहेगा जी, ठीक है। अब हम मैनोज का फोटोग्राफ बना रहे हैं, मैनोज में ग्लूकोज में देखिएगा थोड़ा सा ही अंतर है, वो दूसरा नंबर के कार्बन से अंतर है जी, बाकी नीचे का सारा बॉडी वैसा ही दिखेगा जैसा ग्लूकोज का दिख रहा है ना जी। गौर कीजिएगा सब आदमी, तो आपको यही सब आपको दिखाई देगा जी, जहाँ पे कमी है वहाँ पे हाइड्रोजन डाल के बैलेंस कर दो। फोटोग्राफ गौर से देख रहा है, कोई कलर पेन का हम इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। इस फोटोग्राफ में जो देखिएगा, है ना, इसमें कार्बन नंबर जो 2 है, इस कार्बन नंबर 2 पे OH किधर है, की ओर है, लेफ्ट साइड की ओर है जी, ठीक है। और इसमें देखते हैं कार्बन नंबर 3 है, OH किधर की ओर है, लेफ्ट साइड की ओर है। कार्बन नंबर 4 है, जिसमें आप OH क्या देखते हैं सर आपको, राइट साइड में है जी, ठीक है। यहाँ भी देखो राइट साइड में है, यहाँ भी आप देख रहे हैं सर आपको लेफ्ट साइड में, बट यहाँ देखो तो आप, ये आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है जी। आइए गैलेक्टोज का फोटोग्राफ बनाते हैं, गैलेक्टोज का फोटोग्राफ बनाओगे एकदम सेम टू सेम वैसा ही बनेगा, है ना। मतलब एल्डिहाइड ग्रुप डालेंगे और दूसरा नंबर कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में डाल देखो, यहाँ आपको मैनोज और गैलेक्टोज में अंतर हो गया। और ग्लूकोज में सर OH ऐसे था अभी तक, सेम टू सेम ग्लूकोज जैसा चल रहा है, लेकिन चौथा नंबर पे OH इधर आ जाता है, यही यूनिक है जी। हम जानबूझ के कलर पेन का इस्तेमाल कर देते हैं, चौथा कार्बन जो देख रही हो OH लेफ्ट साइड में आ जाता है, यही डिफरेंस है जी। पांचवा नंबर का कार्बन वैसा ही रहेगा जैसा आप ग्लूकोज में देखते थे, और छठा नंबर भी क्या रहता आपको वैसा ही रहता है जी, ठीक है। बाकी जहाँ पे जो कमी है वहाँ पे पूरा कर दो हाइड्रोजन से। देखिए ये फोटोग्राफ किसका हो गया, गैलेक्टोज का हो गया। समझ में आ रहा है जी साजिब, क्या अंतर है दिनों में, ग्लूकोज में, मैनोज में और गैलेक्टोज में। बाई फंक्शन भी है ना, बाई फंक्शन भी है, तीनों में डिफरेंस है, बाई स्ट्रक्चर भी तीनों में डिफरेंस है। हम ग्लूकोज जो देखते हैं उसमें दूसरा नंबर का OH लेफ्ट साइड में, चौथा पांचवा छठा भी आपको राइट साइड में, सॉरी दूसरा नंबर भी OH लेफ्ट राइट साइड में, और चौथा पांचवा छठा भी आपको क्या राइट साइड में है, सिर्फ तीसरा नंबर का OH क्या लेफ्ट साइड में। अब इसमें गौर कीजिए तो दूसरा तीसरा दोनों आपको है, यूनिक क्या है, यही यूनिक हम भी क्वेश्चन पूछते हैं, आई नीट भी पूछता है जी, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछा बता दें, रुक जाओ, इसको हम ऐसे, इसको देखो ऐसे शॉर्ट कर रहे हैं इसको हम, अगर हमको इसको लिखना हो ना क्वेश्चन बनाना ऑप्शन के लिए, कंप्यूटर टाइप करे या हाथ से लिखे, तो हम ऐसे नहीं लिख के देंगे, बच्चा लॉलीपॉप लगने लगेगा उसको, जानबूझकर ऐसे लिखेंगे CHO, है ना, फिर उसके बाद COH, है ना, फिर उसका COH ऐसे लिखते जाएंगे, और फिर एक बार COH ऐसे लिख रहे हैं ना, देखते जाओ, और फिर पूरा को श्रिंक कर देंगे, इस पूरा को श्रिंक करके क्या लिख सकते हैं, C2, है ना जी। अब देखो आपको हाइड्रोजन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, हाइड्रोजन 5 लिख देंगे और 2 O2 है, ऐसे लिख के देंगे जी, ठीक है। अब उसी को अंतर समझना रहेगा कि क्या है ये, समझना रहे जिम कहना, वो कैसे पकड़ेगा, 1, 2, 3 और 4, चौथा देखा OH लेफ्ट, सीधे टिक मार देगा गैलेक्टोज को, है ना जी। यही जगह पे हम OH इधर कर देते हैं, है ना, और बाकी सबको श्रिंक कर देते हैं, बाकी सबको श्रिंक करके ना हम एक साथ श्रिंक कर देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा जी, ठीक है, तो C4 हो जाएगा, C4 और क्या था, C4 आया, हाइड्रोजन कितना है यहाँ से आपको, ऑक्सीजन कितना, 4 गो है, 1, 2, 3, 4,
हाइड्रोजन के दो दो चार दो छः दो आठ एक नौ, तो सी फोर एच नाइन ओ फोर हो जाएगा, ऐसे दे देते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ऐसा फोटोग्राफ किसका हो जाता सर? ऐसा फोटोग्राफ हो जाता मैनोज का। तो ध्यान रखोगी कार्बन का नंबर लॉलीपॉप जैसा ही क्वेश्चन है, बट फर्स्ट सोचना पड़ेगा कि सर कितना लिख के प्रैक्टिस करना होगा सबको। हाँ तब तो, तभी तो करना होगा ना, तभी याद रहेगा ये, है ना? नहीं तो कोई रटेगा तो रटो इसमें, यहाँ पे सी टू में ओ एच क्या है लेफ्ट साइड में है, इसमें तुम रटेगा क्या सी फोर में ओ एच लेफ्ट साइड में है, सी फोर बाकी तो तुमको ओ एच तो सब में एक ही जैसा था ना, तीसरा का ओ एच सबका एक ही जैसा है, वर्कर है ना, ओ एच क्या है सर आपको लेफ्ट साइड में है, बाकी सब राइट साइड में है, इसमें सी टू का ओ एच आपको लेफ्ट साइड में है ना, सी थ्री तो लेफ्ट रहता ही है सर, बाकी सब राइट साइड में है, देख रहे ना, इसमें भी आपको सी थ्री का ओ एच लेफ्ट साइड में, बाकी सब राइट साइड में है जी, ऐसे करके भी रट सकते हैं जी। ठीक है, पल्ले पड़ रहा है? हेलो, यस पल्ले पड़, हाँ ठीक है बढ़िया। एक मिनट स्टार्ट करते हैं। और आते हैं हम लोग यहाँ फ्रुक्टोज का फोटोग्राफ देखने के लिए जी। ठीक है, फ्रुक्टोज का फोटोग्राफ जब देखोगी ना, इसमें क्या होगा, इसमें आपको छह कार्बन तो होगा ही सर, एक दो तीन चार पाँच और छह, और इसमें क्या देखेंगे सर, दूसरा नंबर पे कीटोन होता है सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि दूसरा नंबर के कार्बन पे हमेशा कीटोन बनाएंगे, और पहला पे OH देखेंगे इधर की ओर, बाकी जो बच गया उसको हाइड्रोजन से भर देंगे, एक कार्बन पे एक ही OH रहता है, और इधर पे देखेंगे तीसरा नंबर तो OH इधर करेंगे हम लोग, और चौथा नंबर पे देखेंगे OH लेफ्ट साइड में रहेगा, पांचवा लेफ्ट साइड में रहेगा, छठा भी क्या रहेगा सर आपको लेफ्ट साइड में रहेगा जी, जो बच गया उसको हाइड्रोजन से भर दो, नहीं लिखिए डैश बना दे तो सर तुम्हें हाइड्रोजन समझना इसको, और ये आपको जो बन गया ये किसका आपको फोटोग्राफ हो गया, ये फ्रक्टोज का फोटोग्राफ हो गया जी। ठीक है, ये आपको फ्रक्टोज देखने को मिल रहा है जी। ठीक है, अब आइए ग्लूकोज क्या करता है, ये हमारे जितने भी अनाज है ना तो सारे अनाज में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है जी। ठीक है, और उसके बाद आप मैनोज कहाँ देखते हो, आपके बॉडी में जो WBC होता है ना, तो WBC एंटीबॉडी बनाने के लिए मैनोज का इस्तेमाल करता है जी। ठीक है, और उसी तरह से आपको गैलेक्टोज क्या होता है, मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, जो आपको गैलेक्टोज डाइजेस्ट होगा ना तो बहुत सारा काम होता है आपके शरीर में जी। ठीक है, गैलेक्टोज भी हमारे न्यूट्रिएंट में सबसे इंपॉर्टेंट डाइट में से आता है। उसके बाद एक है फ्रक्टोज, जितना भी मीठा चीज लगता है आपको नेचर में उसमें जरूर कुछ ना कुछ फ्रक्टोज होगा, जैसे शहद हुआ, जितने भी फल हुए, ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट एक्सेप्ट ग्रेप्स को छोड़ के या किसमिस को छोड़ करके, किसमिस को छोड़ दो, बाकी जितना भी फल खाती हो मीठा लग रहा है तो समझ जाना उसमें क्या मिला हुआ है ना, उसमें आपको फ्रक्टोज मिला हुआ है जी। सेब हुआ, अंगूर हुआ, इस सब सेब हुआ और भी जितने नाम से, आम हुआ, अभी आम का सीजन है, जैसे आम में क्या होता है मीठा लगता है सर, इसका मतलब उसमें फ्रक्टोज भरा हुआ है सर। फ्रक्टोज क्यों इतना मीठा होता है, ठीक है, मुद्दा ये भी होता है सर, फ्रक्टोज आपको इतना है ना स्वीटेस्ट क्यों होता है। ठीक है, तो जवाब है कि सर जितना इसमें आपको ना जी ये क्या नाम है, जितना ज्यादा आपको इसमें OH होता है ना उतना ज्यादा आपको मीठा होता है। एक मिनट रुक जाइए, सही है ना, जितना ज्यादा इसमें आप क्या देखते हैं, फ्रक्टोज सबसे ज्यादा मीठा होता है जी। क्वेश्चन एक बार मेडिकल में पूछा था तो व्हाई फ्रक्टोज सो आपको स्वीटेस्ट है ना जी, जवाब देंगे थर्ड में हम भी आपको, एग्जैक्ट जवाब नहीं आ रहा दिमाग में भी। ठीक है, संतरा में सर, हाँ वो भी फ्रक्टोज से बना होगा है ना, फ्रक्टोज से बना होगा, संतरा भी होगा, जितना भी मीठा चीज खाओ ना तुम, जो नाम लो अभी मीठा में, खाली एक को छोड़ के, एक ही को बस छोड़ करके, उसका नाम है ग्रेप्स, ग्रेप्स को छोड़कर बाकी जितने भी फ्रूट है और खाने में मीठा लग रहा है समझ जाना उसे फ्रक्टोज मिला हुआ हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप अनानास का भी नाम ले सकते थे है ना, पपीता का भी नाम ले सकते हैं, और क्या नारियल का भी नाम ले सकते हैं, इस सब में क्या भरपूर होता है, मीठा लगा मतलब फ्रक्टोज है। ठीक है, अब शहद भी हो गया इस तरह से है ना जी, फ्रक्टोज वाई सो स्वीटेस्ट है ना, सबसे ज्यादा मीठा फ्रक्टोज ही क्यों होता है, इसका भी जवाब है हमारे पास। ठीक है, लॉजिक अभी नहीं याद आ रहा, ठीक है बता देंगे हम आपको इसके बारे में, फ्रक्टोज क्यों मीठा होता है ये भी मेडिकल का क्वेश्चन है। हाँ, ऑल कार्बोहाइड्रेट में सबसे स्वीटेस्ट फ्रक्टोज होता है ना जी, जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उसमें सबसे ज्यादा मीठा है ना, कहा जाएगी मीठा का एकदम पिक लेवल पे कहो, जैसे नहीं आप थ्रेश होल्ड बनाओगी, ऐसे ग्राफ बनाओगी ना स्वीटनेस का, तो सबसे पिक पे होगा आपको फ्रक्टोज होगा है ना, कोई दो राय नहीं। ठीक है, और यानी कि आपको ये पूछता है मतलब मेडिकल में पूछता है कि वाई विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग द मैक्सिमम स्वीटेस्ट या हाई लेवल ऑफ स्वीटनेस, यू से फ्रक्टोज, वाई फ्रक्टोज इज सो स्वीटनेस, इसका जवाब मेरे पास है, रुक जाओ थोड़ा देर आने दो, हम क्लास से पहले याद था बोलना, देख लेते हैं है ना, बाकी ये सब मीठा उतना नहीं होगा, जैसे दूध पीजिए, दूध पीने उतना मीठा नहीं लगेगा लेकिन ठीक रहेगा वो टेस्ट, वो ग्लैक्टोज की वजह से
है ना, ग्लूकोज भी उतना मीठा नहीं होता है। कभी आटा चावल फाक के देखो, उतना मीठा नहीं लगेगा। आटा चावल में क्या रहता है, ग्लूकोज ही रहता है ना स्टार्च के फॉर्म में, तो ग्लूकोज होने के बावजूद भी आपको उतना मीठा नहीं लगेगा जी। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, है ना, अल्डोज के बारे में। चलिए जी, इसके आगे बढ़े। हेलो, यस सर, भाई, यस देखिए, जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ना, उसका कुछ फॉर्म होता है जी। ठीक है, आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को जब देखते हैं, ठीक है, पहली बात देखो, एक हम आप ऑप्टिकल एक्टिव की बात करें, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ना जी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो देखते हैं है ना, इसकी बात किया जाए तो ये दो तरह का होता है सर। एक होता है आपको डी फॉर्म होता है, एक एल फॉर्म होता है। डी फॉर्म होगा, एक क्या होगा आपको, एल फॉर्म होगा जी। डी और एल का फुल फॉर्म भी आपसे मेडिकल पूछ सकता है। इसका अंदर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी देख लेना स्पेलिंग। ठीक है, एक होगा लीवो रोटेटरी होगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी का क्या मतलब होता है जी। ठीक है, अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट को मान लीजिए, यहाँ पे कोई प्लेन पोलराइज लाइट है, यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि एक प्लेन पोलराइज लाइट है, ये ऐसे लिख दिए, ये हो गया प्लेन पोलराइज लाइट। अब प्लेन पोलराइज लाइट को तुम किसी कंपाउंड से गुजारो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से गुजारो, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से गुजारेंगे। और ये प्लेन पोलराइज लाइट आगे जाने के बाद जब लाइट से बाहर गुजरेगा सर, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब ये क्लॉक वाइज घूम गया या राइट साइड घूम गया, ये राइट साइड झुकना होना कहलाएगा, या तुम इसको क्या कहोगी, क्लॉक वाइज ना कहोगी। तो ऐसा अगर कोई करता है सर, उसको डी फॉर्म कहते हैं। इस कंपाउंड का क्या नाम पड़ जाएगा, डी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। क्या फर्क पड़ता है सर इससे, फर्क पड़ता है जी, यही एनर्जी देता है ना। इसी को तुम प्लस में भी लिख सकती हो, हालांकि केमिस्ट्री के टीचर बोलते हैं डी का अलग वैल्यू होता है, प्लस का अलग मीनिंग होता है, लेकिन तुम लोग बायोलॉजी में क्या कभी भी क्वेश्चन बनाओगे तो नहीं फंस आता है। प्लस डी लिखा रहे ना, इसका मतलब एक ही चीज मानोगे, है ना जी। क्लियर हो रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए सिंबल क्या यूज होता है, प्लस का सिंबल यूज होता है जी। उसी तरह से हम ऐसा ही एक और कंपाउंड इसके लिए बनाते हैं, यहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट दिखा रहे हैं हम। अब प्लेन पोलराइज लाइट सीधा होता है ना, परपेंडिकुलर होता है सर, 90 डिग्री पे होता है। अगर ये प्लेन पोलराइज बीच से ऐसे लाइनिंग खींचेगा, 90 डिग्री का लाइट हुआ ना, और प्लेन पोलराइज को तुम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से गुजारेगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से गुजारते हो जी। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं है ना, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से गुजारते हैं, तो ये थोड़ा देर बाद क्या होता है सर, ये टेढ़ा तो हुआ, टेढ़ा होने के बाद ये लेफ्ट साइड से टेढ़ा हुआ, ऐसे टेढ़ा हुआ। एरो बनाने से क्या समझ में आ रहा होगा, ये लेफ्ट साइड में आपको ये क्या होता है, एंगल बदल रहा होता है जी। ठीक है, अगर प्लेन पोलराइज लाइट को हम लोग है ना, प्लेन पोलराइज लाइट को हम लोग अगर गुजारे, और गुजारने के बाद ये आपको लेफ्ट साइड में मुड़ता हो, है ना जी, तो लेफ्ट साइड में मुड़ेगा है ना, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देंगे, एल फॉर्म के नाम से लाएंगे। एल को लीवो रोटेटरी या निगेटिव कहेंगे, एंटी क्लॉक वाइज बना, या ऐसे घूम रहा है तो घड़ी का उल्टा दिशा में घूम रहा है, और घड़ी का उल्टा दिशा में घूमे तो क्या कहोगी इसको, एंटी क्लॉक वाइज। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है बताएं, तुम लोग सर कैसे आप समझ जाते हैं ये डी फॉर्म है, और कैसे समझ जाते हैं ये एल फॉर्म है जी। ठीक है, डी फॉर्म और एल फॉर्म का पता कैसे लगाते हैं, ये एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर डी और एल फॉर्म जो है ना सर क्या मायने रखता है बायोलॉजी के सेंस में, तो हम बोल ही रहे बार बार कि डी का मतलब एनर्जी कंपाउंड, हाँ डी का मतलब एनर्जी देने वाला, और एल का मतलब क्या होगा, एनर्जी नहीं देता है जी। समझ में आ रहा ना, दोनों कंपाउंड कैसे पहचानेंगे वही अब एक मेन मुद्दा है, कट करके ज्वाइन करो। तो दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर डी और एल कैसे पहचान जाते हैं आप, है ना, डी और एल पहचानने का तरीका ढूंढना है, और डी और एल का खासियत क्या था वो देखना है जी। देखिए, अगर आप बायो जैसे आप एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में जाइएगा ना, तो एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में बायोकेमिस्ट्री ही पढ़ना है। ठीक है, पूरा ऑर्गेनिक पढ़ाएगा साल भर 6 महीना तक, और उस ऑर्गेनिक में तुमको बहुत कुछ बताया जाएगा। ठीक है, हम लोग को अभी उतना चीज जानना नहीं है एमएससी में, अभी एमबीबीएस का भी पढ़ के क्या कीजिएगा। ठीक है, अभी जाके लंदन थोड़े जाना है। ठीक है, अभी आपको इतना ही पढ़ना है जैसे आपका 12th पास हो जाए और मेडिकल का क्वेश्चन बन जाए। तो हम लोगों को डी और एल फॉर्म है ना, हेक्सो शुगर में पढ़ना है, होता पीछे भी था है ना जी, लेकिन हम लोगों को पढ़ना कहाँ पे है ना, हेक्सोज शुगर में डी और एल का पता लगाना है कि कौन हेक्सोज डी है और कौन हेक्सोज एल है जी। सीधा सीधे स्ट्रेट वर्ड में बात किया जाए तो कौन, और गैलेक्टोज ग्लूकोज
में डी और एल कैसे पहचान जाते हैं सर आप, पहला क्वेश्चन जवाब होगा। ठीक है जी, तो वही डी और एल का पहचानने का तरीका निकाल लेंगे। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी का टीचर बायोलॉजी पढ़ा रहा है तब सुनो, और फिर केमिस्ट्री के टीचर की तरफ से पढ़ाएंगे तब यहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा जी बात, है ना जी। देखिए बायोलॉजी का बच्चा, पहले से हम दिमाग ठंडा करके रखो कि अगर हमको बोर्ड पे डी ग्लूकोज बनाना है, डी ग्लूकोज बोर्ड पे डी ग्लूकोज बनाना है, हेलो आवाज आ रहा है? यस सर आ रहा है, यस सर आ रहा है, अभी कुछ देर पहले नहीं आ, हाँ उससे पहले कॉल आ गया था, कॉल पे बात चल रहा था, कॉल पे आता तुम लोग को भी सुना देता कॉल पे जब हम बात करते हैं तो। नहीं सर, नहीं सर, म्यूट हो जाता है। देखो हम बोर्ड पे क्या बनाए, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी के टीचर से बायोलॉजी पढ़िए, डी ग्लूकोज का फोटोग्राफ अपने बायोलॉजी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। डी ग्लूकोज में पहले तुम पहले क्या करेगा, 6 कार्बन लिखेगा, 3, 4, 5 और 6। पहला कार्बन पे क्या डालेगा, अल्डिहाइड, और दूसरा कार्बन पे क्या डालेगा, OH, तीसरा कार्बन पे OH लेफ्ट साइड डालेंगे, यही ट्विस्ट है जी, बायोलॉजी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं हमसे, और चौथा पे OH इधर रहेगा, पांचवा पे OH इधर रहेगा, छठा पे भी OH इधर रहेगा जी, जो खाली है उसको भर दो, हो गया जी। बोर्ड पे जो बना वो डी ग्लूकोज था, बहुत ईजी है ना जी। डी ग्लूकोज का क्या करना है सर, कि सर सारा कार्बन का OH लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में होगा ना, ये राइट बार बार हमसे गलती हो जाता है, राइट साइड में एक आपको देख रहे हो ये वाला, ये कहाँ लेफ्ट साइड में, इंग्लिश क्या याद रखोगी, थर्ड कार्बन का जो आपको OH है जी, ये आपको कहाँ है, आपको लेफ्ट साइड में है जी। ठीक है, बाकी जितने भी कार्बन है वो सब क्या है, राइट साइड में है जी। ठीक है, वो ना लेफ्ट हुआ सर, क्या हुआ, वो ना लेफ्ट हुआ, अरे भाई अपना हाथ को ऐसे ले जाओ, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे, जैसे राइट और लेफ्ट करेंगे, समझा रहा ना, मैथ पढ़ते थे ना LHS RHS, इधर LHS मानता था ना, इधर RHS मानते थे ना, है ना, वैसे ही टाइप से यहाँ पे भी कर रहे हैं, केमिस्ट्री में सीधा अपने हाथ को घुसा लो सीधा तरफ, ऐसे हाथ रखेंगे तो क्या लग रहा तुमको, ये लेफ्ट ना होगा, ये राइट होगा ना जी, समझा रहा, जिसमें लाल पेन रखे वो लेफ्ट साइड है मेरा, और इधर जो राइट साइड में क्या ब्लैक पेन है। ठीक है, तो आप इंग्लिश यहाँ पे आज कल तुमको लड़का से पूछ दे डी ग्लूकोज का डेफिनेशन दो तो क्या बोलेगा, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट साइड, बाकी सारे कार्बन का OH राइट साइड, इसको डी ग्लूकोज, बहुत इजी था, समझ आया। अब वही जगह पे एल ग्लूकोज है ना जी, एल ग्लूकोज का कैसे पता लगाओगे कि सर यही एल ग्लूकोज है, तो जस्ट इसका मिरर इमेज बना दो, उसका जस्ट उल्टा है ना जी, पहला कार्बन पे एल्डिहाइड होगा उसका तो चिंता छोड़ दीजिए सर आप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, दूसरा कार्बन का OH लेफ्ट साइड, तीसरा कार्बन का OH राइट साइड, बाकी सारे कार्बन का OH लेफ्ट साइड है ना जी, ये जो देख रहे हैं इसको क्या नाम देंगे हम लोग, एल ग्लूकोज कहेंगे। देखो जस्ट उल्टा लग रहा है ना इसका, जो आपको पहले डी ग्लूकोज पढ़ाया गया था उसका जस्ट उल्टा लग रहा है जी। ठीक है, क्या बोलो, किसी को दिक्कत, बहुत ईजी था जी, डी और एल समझना हम लोग के लिए उतना भारी नहीं जितना बोर्ड पे आप देख रहे हैं, क्या इसको कोई लड़का नहीं जानेगा कि एल ग्लूकोज है ये, बोलो, यस सर, हेलो, है ना, एल से लेफ्ट, हाँ L का मतलब लेफ्ट हो गया, हाँ यस, हाँ ये भी पकड़ लिया अच्छा से, हाँ लेफ्ट होगा तो सब OH लेफ्ट साइड में, खाली तीसरा का कार्बन का OH क्या होगा, राइट साइड में, लेकिन फंस जाएगा जान लेना, इससे तुम पढ़ेगा ना फंसा लेगा कोई टीचर अगला टॉपिक देकर, जैसे भी हम फोटोग्राफ बोर्ड पे बनाए ना, देखो ये फोटोग्राफ बनाते हैं, कोई बताओ तो ये क्या होगा, ये एल है कि डी है, ये आपको पहचानना है। एक दो तीन चार पाँच डी है सर, हाँ हाँ बोलो क्या है, बताओ डी है सर, डी है सर, गलती हो जाओगे, एल है ये, एल है, एल है, आप देखना है कल ले क्लास में ये एल कैसे हुआ, ये एल है, ये एल है बाबू, ये एल है ना, एल है, यही फंसा लिया ना हम बताएंगे कल आपको, ये तो हम अभी क्या बोले, बायोलॉजी का मास्टर पढ़ाया था, डी और एल समझा देगा इसे,
पर अभी केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक केमिस्ट्री का मास्टर मिल जाएगा ना सामने में, यही फोटो देख के धर लेगा तुमको, ठीक है, कहेगा कि भाई गलत बोल रहे हो तुम। ये एल फ्रुक्टोज है, इसका पूरा नाम देखोगे तो एल फ्रुक्टोज है। हम साबित करेंगे कल कैसे कि एल फ्रुक्टोज है, वो असली होगा, वो असली पे ध्यान देना। आप कोई लड़की को ऊपर से जा रहा होता ना इस सब टॉपिक, तो उसको हम इतना ही बोल के रटने के लिए कहते हैं कि भाई तू रट लो, तुम्हारे लिए इतना काफी है डी और एल समझना, ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन तोता जैसा तुमको रटना है, डी और एल ग्लूकोज पढ़ाने के लिए पढ़ाए सर, बाकी सब पे नहीं पढ़ाए, ठीक है। और गैलेक्टोज या मैनोज सब पढ़ाना शुरू हुआ ना तो पूरा बैंड बच जाएगा, ठीक है। सिर्फ डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज देखने के लिए तरीका, लेकिन सर क्या ये तरीका सही है? मतलब कभी कोई तुम लोग कोई मैथ फिजिक्स को क्वेश्चन बनाते हो ना, टीचर कहता ना कि तुमने आंसर खाली मिला दिया है, क्वेश्चन सही नहीं है, मतलब तुम ठीक से नहीं बनाया। कभी कभी कोई बच्चा क्वेश्चन कुछ काट कूट करके ले आता है आंसर, है ना जी, तो आंसर ले आओगे तो सही हो जाओगे, ऐसा थोड़े है। वही बात यहाँ पे भी है कि आप काट कूट के जैसे तैसे हम ले आए यहाँ पे डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, पर असली तरीका कुछ और है डी और एल पहचानने का जी, जो कि हम लोग कल बात करेंगे डी और एल कैसे पहचानते हैं हम लोग जी, ठीक है। पहले पर आज हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कौन कंपाउंड डी होगा कौन एल होगा, कल की डेट में हम लोग को समझना है जी, ठीक है। रहने तो यहीं तक, हाँ जो रिकॉर्डिंग काटो तो